गांधीनगर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी कपड़े की चोरी करके बेचा करते थे अपने गांव में। आरोपियों से 19 केसों का हुआ खुलासा। वेलकम थाना पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हातिम बाबा के दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने एक शख्स की हत्या का किया था प्रयास। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेता ने कहा केजरीवाल छिपाते हैं अपनी नाकामी। कांग्रेस नेता ने कहा केजरीवाल एडवर्टीजमेंट पर देते हैं ज्यादा ध्यान। आप नेता ने कहा एलजी अपने अंडर आने वाले काम नहीं करते, हमारे कामों में करते हैं दखल अंदाजी। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों की बड़ी मुश्किलें। ऑटो चालकों का कहना महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल, सवारी नहीं देती ज्यादा किराया। मंडावली रोड पर पिछले 10 दिनों से टूटी है पानी की पाइपलाइन। सड़क पर बहता है हजारों लीटर पानी। शिकायत के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर में कुछ दिनों से लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। पुलिस के पास जब मामला पहुंचा तो सीसीटीवी कैमरों से जांच की गई, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके आरोपियों को पकड़ लिया। ये दो आरोपी और दोनों भाई, आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले दोनों आरोपी भाई में से एक भाई गांधीनगर मार्केट में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अपने गांव चला गया था। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपने भाई के साथ मिलकर चोरी करने की योजना बनाई और पुलिस गश्त से बचने के लिए गांधीनगर में पहली मंजिल की दुकान और साथ ही फैक्ट्रियों में दिन दहाड़े चोरी करते थे और रेडीमेड कपड़ों को अपने गांव ले जाने के बाद गांव की मस्जिद के लाउडस्पीकर पर कपड़ों की बिक्री की घोषणा करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़े बरामद किए हैं। इन आरोपियों से 19 केसों का खुलासा भी हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वेलकम थाना पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हातिम बाबा के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की उम्र 18 साल है। आरोपी के नाम फैजान और सोहेल हैं। इन आरोपियों ने एक शख्स की हत्या का प्रयास किया था। आपको बता दें कि आरोपी फैजान जाफराबाद के काशी और गुप्पू हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी शाहरुख के साथ शामिल था। ये आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भी हैं और पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच तनातनी लगातार जारी है। आए दिन केजरीवाल सरकार विनय सक्सेना पर आरोप लगाती है और एलजी दिल्ली सरकार के कामों में दखलअंदाजी करते हैं। इसको लेकर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि केजरीवाल कमियों को छिपाने के लिए एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि एलजी ने आते ही तेजी से कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको दिल्ली की चिंता है। कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह का कहना है कि केजरीवाल एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि दिल्ली की जनता को पीने का पानी भी मिल रहा है या फिर नहीं। इसलिए जब खुद ही कमियां छिपानी होती हैं तो केजरीवाल एलजी पर या फिर किसी और पार्टी के नेताओं पर काम ना करने का आरोप लगाते हैं। वहीं आप नेता रमेश पंडित का कहना था कि एलजी अपने अंडर आने वाले कामों को नहीं करते, लेकिन हमारे कामों में दखल अंदाजी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। सिवाय एडवर्टाइजमेंट के, सिवाय पोस्टरबाजी के कुछ नहीं हो रहा। क्यों, जो काम इससे होता नहीं है वो एलजी पर छोड़ देते हैं। एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया, प्रधानमंत्री ने काम नहीं करने दिया, तो उनकी टेंडेंसी है काम करने की, क्योंकि काम तो करते नहीं, काम करने आदत है उनको, ना इनको आदत है ना बीजेपी वालों को आदत है, तो दोनों बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और जनता बेवकूफ बन रही है। पानी पीने के लिए नहीं है, पानी टैंकरों से पानी जा रहा है, उनके भिजवाया जा रहा है, पानी नहीं है। दिल्ली पानी की बात करते हैं, पानी भिजवा रहे हैं, पानी है नहीं दिल्ली के अंदर, कुछ उस वजह से पानी के अंदर पानी नहीं है दिल्ली के अंदर, तो कहाँ से एक चीज करेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के माननीय एलजी साहब दखलदाजी कर रहे हैं, उनके कामों के अंदर रोड़ा अटका रहे हैं, वो निंदनीय हैं, क्योंकि जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं, अगर हम कानून की बात करें तो आज दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है पूरी तरह से। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुजुर्गों के ऊपर जगह जगह जुर्म हो रहे हैं, कहीं चैन छीनी जा रही है, कहीं चोरी चकारी की जा रही है, कहीं हत्याएं की जा रही हैं, उनकी तरफ ध्यान ना देकर, बल्कि ये लोग जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उनके कार्य, चाहे वो जल बोर्ड की बात कर लीजिए या वो PW की बात कर लीजिए या कोई भी अन्य क्षेत्र को उठाकर देख लें, तो वहाँ पर वो काम करते हुए
जो इतने अच्छे तरीके से दिल्ली सरकार कर रही है उनके कामों में दखलदाजी करते हैं। और जहां तक केजरीवाल की ये अपेक्षा है कि वो केवल एक ठप्पा मात्र बनके जो ये फाइलें भेजें चुपचाप उनके ऊपर हस्ताक्षर करते जाएं, ऐसा एलजी को नहीं करना है। एलजी को अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है, फील्ड की डायरेक्ट रिपोर्ट भी लेनी है, लेकिन ये उनको अंधेरे में रख के चुपचाप जो फाइल पास कराने का काम करना चाहते हैं वो मंशा पूरी ना होने के कारण ये एलजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एलजी जब से आए हैं उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने अपने मतों को स्वतंत्रता से व्यक्त भी किया है। तो वहीं सीएनजी के बढ़ते दामों ने ऑटो चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऑटो चालकों और टैक्सी ड्राइवर ने अपनी बात सरकार के आगे अपनी बात रखने के बावजूद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा। ना तो सीएनजी के दाम कम किए जा रहे हैं और ना ही किराए में कोई बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के ऑटो चालकों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में घर चलाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सवारी किराया ज्यादा नहीं देना चाहती, मीटर से चलना हमारी मजबूरी है लेकिन उसमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही कई सवारियां बिना मीटर के जाना पसंद करती हैं। सरकार को ऑटो चालकों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब भरपाई क्या, सीएनजी महंगी है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। डिमांड करी थी मतलब है कि कुछ बढ़ाने की, बाकी बड़ा तो है नहीं। अब कुछ नहीं, दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब यही है सीएनजी थोड़ी महंगी है तो दिक्कत तो पैसे तो कम होते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और कैसे दिक्कत होगी, सवारी से किराया कैसे ले, सवारी किराया देती है कोई सवारी, ना बढ़ रहा किराया ना कुछ हो रहा। मीटर से बैठे मीटर से भी ले जाते हैं, नहीं मीटर से बैठती तो वैसे भी ले जाते हैं सवारी, नहीं नहीं निकल पाता। अब जब पैसा बढ़ेगा जब ही तो निकलेगा, जब पैसे ही ना बढ़ेगा तो निकलेगा कहाँ से। मांगते हैं किराया, जो सवारी से मांगेंगे जो लगता है जो किराया मांगेंगे, सवारी देती नहीं किराया। हाँ, सवारी यही कहती है कि भाई जो वो है अपना जो हिसाब है वो लो अपने। हाँ, मीटर से चलने के लिए कहती है सवारी, हम कहते हैं सवारी से, सवारी बहुत तेरी नहीं बैठती मीटर से, हम बोलते हैं सवारी से मीटर से बैठ जाओ तो नहीं बैठती मीटर से सवारी, कुछ नहीं बढ़ाया मीटर से। वो तो रिवाज होंगे, मीटर करवाए कह लिया, कह रहे थे बढ़ाने की, कुछ नहीं बढ़ाया। यहाँ से लोनी बॉर्डर गोल चक्कर वैसे बिना मीटर के, बिना मीटर के। हाँ जी, मीटर से बोला वैसे चल रहे, बिना मीटर के चलेंगे। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी से लोग काफी परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पूर्वी दिल्ली के इलाकों में देखी जाती है। प्रीत विहार स्थित हर्बल पार्क के सामने मंडावली रोड पर पिछले 10 दिनों से पानी की पाइपलाइन टूटने से सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे रोजाना हजारों लीटर पानी यूं ही बह जाता है। और साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है और शिकायत करने के बाद इसकी सुध लेने कोई भी नहीं आया। वो दिक्कत ही है इसमें, चलने फिरने में ही बाहर में भी दिक्कत होती है, और पानी बह रहा है, मान लो कीचड़ भी हो रही है। हाँ, पानी दिक्कत होगी, पानी फैल रहा है, इससे बढ़िया है मान लो किसी काम में आए पानी। सड़क पे बहुत गंदगी हो रही है, यहाँ पे पाइपलाइन टूटा हुआ है, यहाँ पे आने जाने के लोग खड़े होने में दिक्कत हो रही है, पीने की पता नहीं अंदर से पानी निकल रहा है। एक बार नहीं, कई बार हो चुका, दो इस पर कंप्लेन भी करवा चुके हमने, बस एक बार आए फोटो वोटो खींच के ले गए, उसके अभी कोई आया नहीं। जाम भी लग जाता है यहाँ पे। हाँ, और इससे मतलब सफाई निकल जाती है, छींटे भी आती हैं ऊपर। हुआ क्या है यहाँ पे, पता है लाइन लीकेज हो गई है। दिक्कत तो मैम सबको ही होती है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है, हो गया महीने डेढ़ महीने से ऊपर है। हाँ, पानी तो हर समय बहते रहता है, पानी तो वैसे ही दिक्कत हो रही है गर्मी में। हाँ, और गाड़ी वाले आते हैं उल्टा सीधा गाड़ी भगाते हैं यहाँ पे, ऊपर छींटे आती हैं, गंदगी ऊपर फैलती है। जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है और ऊपर से घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ खाने के तेल में भी काफी उछाल आया है, लेकिन अब पेट्रोल के दाम के साथ साथ सरसों के तेल और रिफाइन के दामों में भी कमी आई है। इसको लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि जब पेट्रोल के दाम कम हुए तो खाद्य पदार्थों के दामों में करीब 15 से 20 रुपए की कमी आई है, जिसे ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी राहत मिली है। क्योंकि जब दाम कम होते हैं तो दुकानदार का मार्जिन बढ़ जाता है, लेकिन जब दाम बढ़ते हैं तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है, इसलिए दाम कम होने से भी सभी को राहत है। तेल के हाँ काफ़ी रेट कम हुए हैं, 20 रुपये लीटर का डिफरेंस आया है, पहले 180 रुपये लीटर था, अब 160 रुपये लीटर आ गया, तो 20 रुपये लीटर का फर्क आया है पहले से 15-20 दिन के अंदर। हाँ, सेल बढ़ी है, कस्टमर को भी तसल्ली है, उनको भी तसल्ली है, मतलब कि उनको भी लगता है कि हाँ पहले इतना कंजूसी खाते थे, थोड़ा सा उनका फर्क रसोई पर फर्क पड़ा है काफ़ी। नहीं, हमें तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि सस्ता होता है तो, जब सस्ता होता है तो दुकानदार का मार्जिन बढ़ता है, ये इफेक्ट वाली बात है। और जब महंगाई होती है तो दुकानदार का मार्जिन कट जाता है, जैसे हम पहले हमको मंगाते 2 रुपये बोतल बेच रहे, अब हम 5 रुपये मिल जाते हैं, तो हमें तो फायदा होता है, सस्ते में हम लोग को सदा फायदा होता है, नुकसान अपने ये पेट्रोल कम हुआ ना इससे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ये पेट्रोल आपका 9-9 साढ़े 9-9 रुपये लीटर
फर्क पड़ा, उससे सब चीज़ फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। अब तो आपकी देख लो मकान की जो मेटेरियल के भी फर्क पड़ रहा है, पहले लोहा वगैरह कितना महंगा था, अब लोहा हुआ सीमेंट सब पे डाउन हो रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। ऐसे ट्रांसपोर्ट, हाँ हाँ हाँ, काफी ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो महंगाई तो अपना भी घटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना के आने से स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी, जिससे कि पढ़ाई करने का एक नया ही रूप देखने को मिला कि किस तरह से मोबाइल फोन के जरिए भी छात्रों ने 2 सालों तक अपनी पढ़ाई को जारी रखा। हालांकि अब सभी स्कूल और कॉलेज को खोल दिया गया है, जिससे कि पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी ये चाहती हैं कि अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा जाए। इसको लेकर हमने प्रोफेसर मनोज से बात की तो उनका कहना था कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन होगी तो इससे छात्रों को काफी नुकसान होगा, साथ ही टीचर्स और प्रोफेसर की भी नौकरी पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। ऑनलाइन टीचिंग किसी भी रूप में उचित नहीं है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास संसाधन नहीं है वो किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे, और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी देश के कोने कोने से आता है, शहरों से के साथ साथ उन गांवों से भी विद्यार्थी आता है जहां पर अभी पूरी तरीके से संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो किस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग में अपने आप को एक को परफेक्ट पाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। और क्लासरूम टीचिंग का अपना एक आनंद होता है, वो आनंद इसलिए भी होता है कि विद्यार्थी सीधा अपने टीचर के संपर्क में रहता है, और उससे सामने जो उसकी भावभंगिमा है या जो उसका अपना एक क्लास के अंदर जो उसका एक रूप है उसको समझकर भी प्राध्यापक विद्यार्थियों के साथ मेहनत करता है, उनको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है, और उनको जो नहीं आता वो उनकी अन्य तरह की शारीरिक क्रियाकलापों से भी समझकर विद्यार्थियों को देने की कोशिश करता है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऑनलाइन टीचिंग से कई गुना या कहें सही रूप में अगर विद्यार्थी का चहुमुखी या बहुमुखी विकास चाहिए तो हम सभी को ऑफलाइन टीचिंग पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के थाना पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ISBT के पास इन आरोपियों ने एक यात्री से बैग लूट लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक साथी नईम की तलाश कर रही है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन के GTB अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए 24 घंटे हेल्प डेस्क और कोऑर्डिनेशन रूम का उद्घाटन अस्पताल के ही सफाई कर्मचारी चंद्रपाल और प्रेम लता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष गिरी और अन्य वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया और कहा कि GTB अस्पताल में रोजाना OPD में करीब 5,000 से 7,000 मरीज और इमरजेंसी में 1,000 मरीज आते हैं। जानकारी के अभाव में मरीज परिजनों को पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने और जाँच कराने के लिए परेशान होना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी के बाहर एक हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय लिया है, ताकि OPD और इमरजेंसी में आने वाले मरीज ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से पूछताछ कर सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। उसी प्रकार अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए भी इमरजेंसी के अंदर 24 घंटे कोऑर्डिनेशन रूम की व्यवस्था की गई है। हमने ये डिसीजन लिया कि हम पेशेंट के सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क खोलेंगे, जो कि अस्पताल इमरजेंसी के बाहर गोल कैंटीन होता था, गोल कैंटीन के पास हमने हेल्प डेस्क बनाया है और इमरजेंसी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन रूम बनाया गया है। हेल्प डेस्क में जो हमारे OPD बेसिस पे या कैजुअल्टी में मरीज़ बाहर से आते हैं, उनके मरीज़ उनके परिजन जो है पूछताछ जानकारी ले सकते हैं कि उनको कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पर्चा बनेगा, कहाँ पे जांच होगी, इस तरह की जानकारी वो हासिल कर सकते हैं। और जो अंदर कोऑर्डिनेशन रूम इमरजेंसी के पास बनाया गया है, रूम नंबर 50A है,
उसमें जो अस्पताल के अलग अलग वार्डों में मरीज़ भर्ती हैं या इमरजेंसी में भर्ती हुए मरीज़ के परिजनों को कभी लगता है कि उनको सीटी स्कैन में देरी हो रही है या डॉक्टर के देखने में देरी हो रही है या ऑपरेशन में देर हो रही है, मरीजों को ऐसा महसूस होता है, तो उस संबंध में वो वहाँ पे जाके अपनी बात को रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको वहाँ से मदद की जाएगी। इन दोनों जगहों पे हेल्प डेस्क और जो हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर है, यहाँ पे जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहेंगे, 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है, ले सकते हैं वो। कोऑर्डिनेशन सेंटर में एक और भी सुविधा हमने रखा है, अगर कोई मरीज़ के परिजन बाहर से फ़ोन करके जानकारी लेना चाहते हैं किसी संबंध में तो डायरेक्ट फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे पेशेंट की कोई भी समस्या हो, जैसे आप ECG देख लो या एक्सरे देख लो या अल्ट्रासाउंड देख लो या मेडिसिन की प्रॉब्लम है वो देख लो, कोई भी, जैसे हमारे पास नंबर है, कंप्लेंट भी आती है 1031 से, रिटर्न में भी हमारे पास आती हैं, डायरेक्ट भी हमारे पास आते हैं। हम जैसे इस रेडियो की है तो हम वहाँ रेड डिपार्टमेंट में जाके यहाँ से फ़ोन करते हैं, अगर वो बात नहीं हो पाती है तो हम खुद जाके मरीज के साथ हेल्प करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।